ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? ये मैं कहाँ हूँ? ये आलम बरज़ख है, तुम मर चुके हो, तुम्हें यहाँ गुनाहों का हिसाब देना होगा। मर गया हूँ? मैं मर चुका हूँ? मर गया? लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हुआ? कोई भी इंसान अपनी मौत का वक्त नहीं जानता चंगेज। ये मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है? जन्नत है? जन्नत कभी भी इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। उम्मत, बेटी, निहाल, 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 क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएंगे क्योंकि तुम्हारी जगह वहां पर नहीं है। तुम्हारा ठिकाना तो जहन्नुम की आग है और जहन्नुम की आग का ईंधन तुम्हारे जैसे गुनहगार ही हैं। ऐसा क्या किया मैंने? मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे सजा मिलेगी? ये सब तुम मुझसे मत पूछो चंगेज, ये पूछो अपने हाथ, पांव, आंखों और जबान से। क्या तुमने जो किया वो ठीक था? ठीक नहीं था ना? अपने दीन को तुमने खेल समझा और रस्मी निकाह करके तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। अपने अंजाम का भी नहीं सोचा, अल्लाह की पाक किताब पर अमल भी नहीं किया तुमने, और फिर भी तुम सोच रहे हो कि तुम जन्नत के हकदार हो। मैं मानता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, मुझे माफ कर दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जहन्नुम भेजने का हुक्म आ गया है। तुम दो बहन भाइयों की शादी करवाने जा रहे थे चंगेज, और ये गुनाह तुम्हें वासिले जहन्नुम करने के लिए काफी है चंगेज, क्योंकि तुमने दुनिया में सिर्फ अपनी मनमानी की। लिहाजा दुनिया में तुमने जो कुछ भी बोया था ना, अब तुम्हें काटना पड़ेगा। मैं जल रहा हूँ। नहीं नहीं।